हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम जा रहे हैं उदयपुर, जहाँ पे है मेरे और मेरे हस्बैंड के कॉमन फ्रेंड्स की शादी। अभी हम पहुँचे हैं एयरपोर्ट और अभी सिक्योरिटी चेक इन बाकी है, तो अभी हम लाइन में लगे हैं और लाइन बहुत लंबी है। उफ़, देख रहे हो आप, लाइन बहुत थी और पता नहीं क्यों बट आज बहुत ज़्यादा रश था। मतलब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रश था। आई वॉज टन, मतलब कि इतना रश मैंने एयरपोर्ट पे कभी नहीं देखा। मतलब सिक्योरिटी चेक करने के लिए मुझे 1 घंटा लगा। एनीवेज, सिक्योरिटी चेक हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स गेट, एंड आफ्टर गेट वी हैव रीच्ड बोर्डिंग पॉइंट। एंड आप देख सकते हो बोर्डिंग हो रही है एंड आई हैव गॉट इनटू द फ्लाइट। फ्लाइट बस चलने ही वाली है एंड हियर वी गो। फाइनली हम उदयपुर पहुंच चुके हैं और उदयपुर का एयरपोर्ट मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा होगा, बट इट वाज नाइस, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल। और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स आर डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स आर वेडिंग वेन्यू। तो अभी हम लोग अपने वेडिंग वेन्यू पे पहुंच चुके हैं एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। यार, हमारे इन फ्रेंड्स की ना हुई है लव मैरिज, और लव मैरिज में तो आपको पता ही है कि लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि दे आर फाइनली गेटिंग टू मैरी द पर्सन दे ऑलवेज वॉन्टेड टू। यहाँ देख सकते हो अभी आप खाना पीने का स्टॉल्स लग चुके हैं एंड मैं रेडी होके अभी एंगेजमेंट के लिए जा रही हूँ। एंगेजमेंट सीन्स बहुत तगड़े थे, मतलब दे डांस एस आउट। यार, फुल टाइम मुझे ना इतना बुरा लग रहा था क्योंकि मेरा ऑफिस चल रहा था और मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी। एनीवेज, मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। प्रॉपर राजस्थानी खाना था, यहाँ पे था दाल बाटी चूरमा और बहुत यम्मी मिठाई। फाइनली अब हम आ गए हैं उस जगह जहाँ पे हमारा स्टे किया गया था एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो सामने का व्यू कितना अच्छा है एंड ये है मेरा लुक जो मैंने किया था एंगेजमेंट के लिए। इट वाज नाइस, राइट? आई थिंक इट वाज। शाम का टाइम है, शाम के टाइम में हम गए थे संगीत में। तो अभी हम अपने वेन्यू पर पहुँच चुके हैं एंड देख के डेकोरेशन आई वॉज सो सरप्राइज, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा पर्पल और पिंक ब्लू का वाइब है। मुझे कलरफुल जगह बहुत पसंद है और कलरफुल लाइटिंग से तो आई एम इन लव। आप देख सकते हो डेकोरेशन भी बहुत सुंदर किया गया था। एनीवेज, थोड़ा सा फंक्शन एंजॉय करने के बाद मुझे तो लग गई थी भूख, सो मैं चली थी कुछ खाने। थोड़ा सा स्नैक्स लिया था मैंने एंड ये थी हमारे ब्राइड एंड ग्रूम की परफॉर्मेंस। इट वाज लवली, इट वाज लवली, इट वाज लवली, मेरे पास शब्द नहीं है। फाइनली वी एंजॉयड आवर टाइम हियर इन द संगीत एंड उसके बाद हम आते हैं डे टू पे। आज के दिन है हल्दी का फंक्शन एंड हम सब अभी तैयार होने जा रहे हैं। तैयार होके अब हम जा रहे हैं हल्दी फंक्शन में, जहाँ पे हमें मिलेंगे ब्राइड एंड ग्रूम। अनफॉर्चुनेटली हम हल्दी अटेंड नहीं कर पाए थे बिकॉज वी वर अ लिटिल लेट। तब तक हल्दी का प्रोग्राम हो चुका था बट वी एंजॉयड फूड एज यू कैन सी। और अभी हम वापस जा रहे हैं ये फंक्शन अटेंड करके और फिर हम रेडी होंगे शादी के लिए।
अनफॉर्चुनेटली शादी बहुत अच्छी रही एंड वी एन्जॉयड अ लॉट. बट इस बार मैं फ़्लाइट से नहीं जा रही हूँ, शादी ख़त्म हो चुकी है एंड मैं अभी जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ उदयपुर घूमने. एंड मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट टू में.